बहुत फुटेज खाया आपने? यहाँ पे लेफ्ट साइड मैडम यहाँ पे हम लोग काफी देर से खड़े मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत सारे रिएक्शंस मेरे फ़ोन पे आ रहे हैं एंड विच इज़ वाई आई वाज अ लिटिल लेट आल्सो, क्योंकि मैं सुबह से जब से ट्रेलर आउट हुआ है वी हैव जस्ट बीन ऑन द फोन नॉन स्टॉप रिप्लाइंग टू पीपल, अ लॉट ऑफ लव इज़ कमिंग माई वे एंड आई एम फीलिंग रियली नाइस। थैंक यू। अभी मिल रहे हैं, अभी मैंने कुछ लोगों को तो मैं रिप्लाई कर ही नहीं पाई हूँ, इनफैक्ट सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है आज, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन डे सॉर्ट ऑफ, एक एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली फीलिंग आ रही है आज। रिएक्शंस हैव बीन गुड, सम कॉम्प्लीमेंट्स हैव कम माय वे, बट अभी बहुत कुछ बचा, अभी एक पहला लुक ही आया है, अभी तो फिल्म देखनी बाकी है। तो काफ़ी सराहा जा रहा है, लोगों के टीज़र तो अच्छा ही गया है जी, जितना जी क्या कहते हैं इसके बारे में? बस मैं बहुत खुश हूँ, आई होप कि लोगों को फिल्म भी इतनी अच्छी लगे और लोग फिल्म देखने आए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। इट वॉज़ अ लॉट ऑफ फन, हमने काफ़ी मस्ती की, हम अहमदाबाद में थे 45 डेज के लिए, तो वो कैसे ख़त्म हो गया पूरा शेड्यूल पता नहीं चला, इट वॉज़ क्वाइट क्विक एंड वेरी नाइस। सी शूट वाइज मेरे प्रोसेस के हिसाब से तो सेम ही होता है, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं वैसे ही अप्रोच करती हूँ, बट ऑफकोर्स जो स्केल है, जिस तरह की अटेंशन टू डिटेल फिल्मों में दी जाती है वो टेलीविजन में नहीं होती, सो दैट इज़ न्यू फॉर मी, बट अगेन लाइक आई सेड ये मेरा पहला बेबी स्टेप है, अभी जब लोग देखेंगे और उन्हें क्या लगता है कैसा लगता है एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि लोगों को गाने भी पसंद आ रहे हैं, ट्रेलर भी पसंद आ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा ये कहने से कि लोग बोल रहे हैं अरे यार तुमने तो एक्टिंग भी की है, सो इट्स जस्ट हार्ट वार्मिंग कि आप अगर यू नो सही दिशा में अच्छी से मेहनत करें तो आपको वो सपोर्ट मिलता है जो आपको मिलना चाहिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड मैं अभी सब ना वो सोक कर रहा हूँ, बिकॉज यू नो मेरी जर्नी थोड़ी अलग रही है फिल्म इंडस्ट्री में, सो थोड़ा यकीन भी नहीं हो रहा है कि लोगों को पसंद आ रहा है, और मुझे लग रहा है सही में आप लोगों को अच्छा लगा, सही में आप लोगों को ये अच्छा लगा, तो यस थैंक यू सो मच आप सब लोग को। सी सबसे पहली बात तो ये था कि ये मेरी कंपनी की फिल्म नहीं है, यू नो तो मैं बतौर एक्टर ये मेरी पहली जर्नी होगी मेरे घर के बाहर, तो मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को पसंद आए, ये फिल्म चले और एक क्रेडिबिलिटी मैं भी बना सकूँ छोटी मोटी अपनी एज एन एक्टर, एंड ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही है एंड इसका सारा श्रेय जाता है नितिन कक्कड़ जी को जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म बनती नहीं, और अगर वो नहीं होते तो हम सब साथ में नहीं आते, अगर वो नहीं होते तो शायद
हम इतनी अच्छी एक्टिंग भी नहीं कर पाते बिकॉज वो हमको बिठा के एक एक चीज़ समझाते थे कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। ये फिल्म मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे दिल के बहुत करीब है। फैक्टर्स की बात की, कंटेंट की बात की जाए तो अजब गजब रंगरेज, इससे थोड़ा मिक्सचर कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है जो आपने फोकस किया पॉज करी? हाँ, अलग तो है, ये एक ट्रू स्टोरी है, एक सही सच्ची कहानी है। और उस इसका जो कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है ये मेरे से बहुत दूर है, जो थोड़ा सा आलसी है, थोड़ा सा सुस्त है, थोड़ा सा लेड बैक है, जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है ऐसा आपको लगता है पहले, लेकिन सच्चाई ये होती है कि यू नो कोई आलसी होना नहीं चाहता। लोग हार जाते हैं, लोग हार मान लेते हैं क्योंकि सोसाइटी आपको ये फील कराती है कि आप में वो दम ही नहीं है। और फिर ऐसा कोई दोस्त आता है या ऐसी कोई गर्लफ्रेंड आती है या आपका ऐसा कोई अंकल आता है या कोई भी ऐसा गॉडफादर आता है जो आपको बताता है कि नहीं यार तुझ में वो बात है, तो सारे लोग इससे बहुत रिलेट करेंगे। और कृतिका का कैरेक्टर मुझे ये फील कराता है कि यार तुमको लोग बोल रहे हैं कि तुम निकट्टे और तुम मान गए, तो ये बहुत रिलेटेबल फिल्म होगी लोगों के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आए। सॉन्ग्स की बात करें यार, हर एक सॉन्ग बहुत ही धमाकेदार है, इस बार धमाका होने और हर बात होता है, सुन वाली है, कोई भी गाना आपका क्या कुछ आपका फेवरेट गाना कौन सा था? सुन सोनी बूम बूम आपका? नहीं नहीं, ये एल्बम में से। और ये लास्ट का पत्थर पेथल, बहुत जबरदस्त है, अच्छा लगा आपको? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये ना कहना चाहूँगा, आई थिंक ये भगवान की ब्लेसिंग है कि गाने हमेशा ठीक ठाक मिल जाते हैं, लोगों को पसंद आ जाते हैं, उस पर हम लोग मिलके थोड़ी मेहनत करते हैं। बट इस बार एक बहुत ही ईमानदार फिल्म है जिसके अंदर बहुत ही अच्छे गाने हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली होता है। और मैं सिर्फ थैंक यू कहना चाहूँगा यूनिवर्स को और बाकी सब लोग को कि मैं इस फिल्म का भाग हूँ। देखिए क्या होता है कि सॉन्ग हिट तो फिल्म हिट एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से नहीं भी है। सही इसलिए बिकॉज सॉन्ग्स हिट होते हैं, तो सबसे मुश्किल बात क्या है कि हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम ही हैं और कोई नहीं है, बगल वाली बिल्डिंग में उधर भी एक इंटरव्यू चल रहा है और उधर भी एक इंटरव्यू चल रहा है और वहाँ पर ज़्यादा बड़े लोग हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सबसे मुश्किल बात यह है कि जनता के पास अभी टाइम नहीं है, उसके बीच में आपको उन्हें ये बताना है कि भाई हमारी इस नाम की फ़िल्म इस समय पे आ रही है और ये अच्छी फिल्म है। तो अच्छे गाने होते हैं तो उससे आपको एक बूस्ट मिल जाता है कि अगर गाना पसंद आ रहा है और उसके विजुअल्स पसंद आ रहे हैं लोगों को, बोल पसंद आ रहे हैं, उसकी धुन पसंद आ रही है, तो लोगों को लगता है ये ना अच्छी फिल्म लग रही है, इस फिल्म को देखने में मज़ा आएगा, तो वो एड ऑन तो ज़रूर करता है। बट इवेंचुअली ये सब फ्राइडे का गेम है, सैटरडे से तो फिल्म बोलती है, तो वो दोनों इसके बगैर ये नहीं है और इसके बगैर ये नहीं है, ऐसा मैं कहूँगा। टाइटल की कुछ खास वजह है टाइटल में मित्रों कुछ खास वजह है उसकी? क्यों ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं, आपको क्या याद दिलाता है? अरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक टैग है, तो वो क्या है, वो अपने सारे मित्रों को जब पुकारते हैं, जो सारे देश की जनता है, तो हम भी जब अपने दोस्तों को पुकारते हैं फिल्म में हम उन्हें मित्रों कहते हैं। धड़क गुजरात थी, वो तो राजस्थान थी, रिलेटेड कुछ ओके उसके पीछे कुछ स्ट्रेटजी है या कुछ ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है, क्या है देखिए हमने एज ऑडियंस पंजाबी बेस्ड फिल्में बहुत देखी हैं, साउथ इंडियन फ्लेवर्ड फिल्में बहुत देखी हैं, महाराष्ट्र बेस्ड फिल्में बहुत देखी है, बम्बई बेस्ड फिल्में बहुत देखी है, दिल्ली बेस्ड फिल्में बहुत देखी है, बट गुजरात बेस्ड फिल्में हमने ज़्यादा देखी नहीं है, वो फ्लेवर देखा नहीं है। और जब भी गुजरात के बारे में हम सोचते हैं तो बड़ा लाउड का सा कुछ सोचते हैं बिकॉज वैसा ही दिखाया जाता है, लेकिन जब हम गए गुजरात हमें लगा कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और वो एकदम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, कोई लाउड तरीके से ऐसे बात नहीं करता है जो हम देखते हैं टीवी सीरियल्स में या यहाँ वहाँ, तो वही एक यूनिक वैल्यू है जो शायद लोगों को पसंद भी आ रही होगी। हाँ जी, आई थिंक कृतिका एक बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, उनको अपना काम आता है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है एंड आई फील शी इज़ एन आउटस्टैंडिंग एक्टर एंड शी इज़ डन एक्सेलेंट इन दिस फिल्म। कल
15 अगस्त से तो मुझे सबसे पहले स्कूल के दिन याद आते हैं, क्योंकि मुझे 6 बजे उठ के परेड में जाना पड़ता था और बहुत ही लगता था छुट्टी के दिन मुझे जाना पड़ रहा है। बट मैं बस यही कहूँगा कि मित्रों, 15 अगस्त को अपने ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से निभाओ, अपने देश के प्रति प्यार लाओ, और वो सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा नहीं, एक्चुअली अपने एक्शंस के द्वारा। एंड स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई एक सॉन्ग याद आता है सर, इस डे को याद करके कोई चैनल में गाना आता है, सॉन्ग आता है जनगण मन? एक लाइन? नहीं नहीं भाई, वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ वहाँ चला गया ना। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सुनो सर, जनगण मन सॉन्ग ऑडियो ऑडियो। सो कृतिका, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कहना चाहेंगे आप? अभी ना इतना कुछ हो रहा है आज सुबह से, दैट देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन, आई एम सो ओवरवेलम्ड। आज सुबह ट्रेलर लॉन्च हुआ और उसके बाद से जो मुझे कॉल्स, मैसेजेस, जो मुझे सोशल मीडिया पे रिस्पांस मिला है, आई थिंक हम सब एक्साइटेड थे, नर्वस भी थे, बट इतना 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 प्यार, इतना सपोर्ट मिलेगा, आई रियली डिडंट नो। मुझे जब पहली बार मिलने बुलाया तो वो नितिन सर ने बुलाया था, और मैं जब उनसे मिली ही थी, उन्होंने मुझे जब ये नरेशन दिया, पूरा सुनाया, मैं समवेयर ड्यूरिंग द नरेशन इतना घुस गई थी उसमें, और मैं इतनी एक्साइटेड, मतलब आई वाज अ फैन। सो आई सेड, मुझे नहीं पता इफ आई एम गोइंग टू गेट दिस फिल्म, आई एम गोइंग टू डू दिस फिल्म और व्हाट, बट आई एम अ फैन, आई लव दिस फिल्म ऑलरेडी। एंड देन व्हेन आई गॉट इट, आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है, दिस फिल्म इज यू नो द रीमेक ऑफ अ तेलुगु फिल्म दैट वन द नेशनल अवार्ड, डायरेक्टर नितिन कक्कर वन अ नेशनल अवार्ड फॉर फिल्मिस्तान, एंड देर आर अ लॉट ऑफ क्रेडिबल पीपल, ऑल दीज ग्रेट पीपल हु आर ग्रेट इन देर ओन फील्ड्स, हु हैव कम टुगेदर टू मेक दिस फिल्म। सो इससे बेटर मुझे लगता है कि मुझे फर्स्ट फिल्म या लॉन्च पैड नहीं मिल सकता था। कोई थॉट था डेब्यू से पहले कि मुझे इस तरह की फिल्म से डेब्यू करना है? मैं एक बात में काफ़ी क्लियर थी, वो ये था कि यू नो क्या होता है ना, कि इतने सालों से मैंने टेलीविजन किया है, टेलीविजन इज़ अबाउट वीमेन, वीमेन आर हीरोज़ ऑन टेलीविजन, जो भी मैंने शो किया है, इट्स यू नो आई एम द प्रोटैगनिस्ट, इट्स बीन अबाउट मी, एंड फीमेल कैरेक्टर्स लीड करते हैं वहाँ पे। मैं चाहती थी कि मैं फिल्म जब भी करूँ, बात लेंथ की नहीं है, बात ये नहीं है कि मैं लीड हूँ नहीं हूँ, जो भी हो मेरा कैरेक्टर जो हो वो ब्लिंक इन मिस ना हो, वो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ यू नो हीरो के साइड में खड़ी हुई है या सिर्फ हंस रही है या सिर्फ फ्लर्ट, मतलब वो सिर्फ शी डांसिंग अराउंड द ट्रीज। आई वांटेड टू डू समथिंग मोर दैट आई कैन रिलेट विद, जो आज की जनरेशन से, मुझ जैसी लड़कियों से थोड़ा और क्लोज हो इन रियलिटी। तो वो मुझे करने का मौका मिला इस फिल्म में, एंड आई कैन हैप्पीली से दैट इट्स आई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म। वो एब्सोल्युटली, जैकी बहुत ही पैशनेट है, जैकी बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत डिसिप्लिन्ड है, जो मैं एक्चुअली कई बार मुझे अपने ऊपर लगता था कि माई गॉड वाई एम आई लाइक दिस, बिकॉज जैकी विल फॉलो अ डायट, ही विल गो टू द जिम एवरी डे, ही विल डू हिज डांस रिहर्सल्स, ही विल डू हिज रीडिंग्स, एवरीथिंग। सो जैकी इवन आफ्टर यू नो बींग अराउंड फॉर सो लॉन्ग, वो आज भी किसी चीज़ को हाफ हार्टेडली नहीं करते हैं, वो पूरी मेहनत से उसे करते हैं, विच वॉज ग्रेट, क्योंकि उनका पैशनेट होना मेरी परफॉर्मेंस के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। तो आई थिंक टुगेदर हमने बहुत मेहनत से और बहुत दिल से ये फिल्म बनाई है। जस्ट लेट हिम, सो जैकी हैज टू लीव फॉर द, वी हैव टू शूट सम बाइक्स।